सीट पे बैठने के बाद दोस्तों आपको फुट रेस्ट जो है वो मिल जाता है, सामने आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, आपको ना इस ट्रेन में बिल्कुल भी खाने पीने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बता दूं कि अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 22 मिनट की डिले के साथ चल रही थी कुरुक्षेत्र जंक्शन तक, और अंबाला कैंट जो है वो 2 मिनट बिफोर ही यहाँ पर पहुँच चुकी है। भाई साहब गजब की स्पीड है इस ट्रेन की, गजब की स्पीड, मतलब 125 130 इसी रेंज में जो है ना इसकी स्पीड जा रही है। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल दोस्तों मैं हूँ अभी देश की राजधानी न्यू दिल्ली में, और आज जो है हम ट्रेवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12057 न्यू दिल्ली उना हिमाचल जन शताब्दी एक्सप्रेस में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अभी जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं, और उसके बाद जो है आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ही जो है अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस निकलती है। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको अपनी ट्रेन की छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे देता हूँ आपको। तो ट्रेन नंबर 12057 और ये जो ट्रेन है दोस्तों एवरीडे दोपहर के 2:35 पर निकलती है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से, और 9:35 पर आपको पहुंचाती है ये पुणे हिमाचल रेलवे स्टेशन। इस दौरान ये जो ट्रेन है 385 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और समय जो लेती है वो लगभग 6:45 का लेती है। बात करें इसकी स्पीड की तो एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर, और मैक्सिमम स्पीड जो रहती है वो रहती है 130 किलोमीटर पर आवर की। बात की जाए इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की तो 9 कोच जो है इसमें सेकंड सीटिंग के लगाए गए, और 4 कोच जो है वो लगाए गए हैं इसमें चेयर कार के। बात की जाए इस ट्रेन के फेयर की तो अगर आप सेकंड सीटिंग में ट्रेवल करते हो एंड टू एंड तो उसका जो फेयर पड़ेगा आपको 175 रुपीज पड़ेगा, और अगर आप ट्रेवल करते हो एंड टू एंड सीसी में यानी कि चेयर कार क्लास में तो उसके लिए आपको जो है वो देने पड़ेंगे 580 रुपीज। ये तो थी अपनी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, अब मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो न्यू दिल्ली का स्टेशन कोड NDLS 16 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा शताब्दियां जो है वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही रुकती है। तो दोस्तों अभी जो है काफी समय है अपने ट्रेन के डिपार्चर को, तो चलिए अभी जो है देखते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव जो है अपनी ट्रेन को लेकर जाने वाला है उना हिमाचल रेलवे स्टेशन तक। तो दोस्तों टाटा नगर शेड का WAP7 जो है ट्रेन को लेकर जाएगा उना हिमाचल तक, और इसको जो है अटैच किया जा रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के साथ। फ्रेंड्स अभी भी लगभग आधे घंटे का समय जो है अपनी ट्रेन के डिपार्चर में बचा है, तो जल्दी से ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रेन का इंटीरियर जो है वो किस तरह का है। तो फ्रेंड्स ये है अपनी सेकंड सीटिंग क्लास का इंटीरियर, 3x3 का सीटिंग अरेंजमेंट है, 108 सीट जो है टोटल कैपेसिटी है यहाँ पर, और कोच के दोनों और ऊपर की ओर जो है आपको लगे स्पेस मिल जाएगा, ऊपर की ओर आपको दोनों साइड फैन मिल जाएंगे, और ये जो है आपकी सीट्स है, और सीट के बिल्कुल सामने जो है वो आपको मिल जाएगी एक बड़ी सी विंडो। सीट पे बैठने के बाद दोस्तों आपको फुट रेस्ट जो है वो मिल जाता है, सामने आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको ट्रे होल्डर भी जो है वो मिल जाएगा, बट ये जो ट्रे होल्डर आप देख सकते हो काफी गंदा सा है अभी। दोस्तों बाहर आप देख सकते हो न्यू दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो है वो लगी हुई है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। तो ये जो ट्रेन है ना लखनऊ तेजस एक्सप्रेस ये चलेगी दोस्तों न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 3:40 पर। दोस्तों शार्प 2:35 पर अपनी जन शताब्दी जो है वो निकल चुकी है दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से। फ्रेंड्स 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अभी फर्स्ट हॉल्ट पर, और जो कि है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड HZM, 2 मिनट का यहां पर स्टॉप है, और 2 ही प्लेटफॉर्म इस रेलवे स्टेशन पर बनाए गए हैं।
तो दोस्तों 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट था सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का, और 2 मिनट के हॉल्ट के बाद जो है अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। दोस्तों जैसे ही हम सब्जी मंडी से निकले ना, हमारी ट्रेन जो है वो पूरी तरह से पैक हो गई है। मतलब काफ़ी लोग चढ़े सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर, इतने लोग मेरे को नहीं लगता न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी बोर्ड हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना अपने को ओवरटेक किया है चंडीगढ़ मडगांव एक्सप्रेस ने, नरेला रेलवे स्टेशन पर है अभी हम। तो भाई 10 मिनट रुकने के बाद जो है ना निकल चुके हैं अब हम नरेला रेलवे स्टेशन से। वैसे नरेला में हॉल्ट जो था वो नहीं था अपने इस ट्रेन का, बट चंडीगढ़ मडगांव एक्सप्रेस ने हमें ओवरटेक करना था, इसके लिए जो अपनी ट्रेन को नरेला में रोका गया था।
दोस्तों 44 किलोमीटर का ट्रेवल करने के बाद अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है। अभी ट्रेन के सेकंड हॉल्ट सोनीपत रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड SNP 2 मिनट का यहां पर स्टॉप है और 5 यहां पर प्लेटफॉर्म है। और अपनी जो ट्रेन है यहां पर 15 मिनट की डिले के साथ पहुंची है। और बात की जाए दोस्तों सोनीपत रेलवे स्टेशन की, तो यहां से एक लाइन जो जाती है वो दिल्ली कालका वाली लाइन जाती है और दूसरी जो लाइन जाती है वो जाती है सोनीपत जिंद वाली लाइन। तो 2 मिनट रुकने के बाद जो है ना अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी यहाँ से। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस ट्रेन में ना बिल्कुल भी खाने पीने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है हर थोड़ी थोड़ी देर में आपकी सीट के पास ही आती रहेगी। भाई साहब गजब की स्पीड है इस ट्रेन की, गजब की स्पीड, मतलब 125 130 इसी रेंज में जो है ना इसकी स्पीड जा रही है। दोस्तों 130 की स्पीड में जो है हम गोडवाल माचड़ी को क्रॉस कर रहे हैं। वाह भी वाह, मजा आ गया इसके को देख के। 4:13 पर हम जो है वो पहुंच चुके हैं ट्रेन के तीसरे हॉल्ट यानी कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड PNP 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन। और यहां पर जो अपनी ट्रेन है ना वो 20 मिनट की डिले के साथ पहुंची है। और बात की जाए ना इस ट्रेन के हॉल्ट की, तो 2 मिनट का यहां पर इस ट्रेन का हॉल्ट है। मिरर जो है वो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं है बट फिर भी काफ़ी साफ सुथरा है। यहाँ पर आपको वाटर टैप जो है वो मिल जाएगा, रनिंग कंडीशन में है, पानी आ रहा है। और वाटर बेसिन जो है वो भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और सामने जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा फ्लश बटन। और बात की जाए ना दोस्तों वॉशरूम की, तो वॉशरूम की कंडीशन जो है ना वो एवरेज है।
15 मिनट की डिले के साथ जो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है। ट्रेन के चौथे हॉल्ट करनाल रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड KUN। और बात की जाए स्टेशन की, तो स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, बट अपनी ट्रेन जो है यहाँ पर भी 15 मिनट की डिले के साथ पहुंची है। दोस्तों करनाल रेलवे स्टेशन के बाहर देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा जो है वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया है। दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद जो अपनी ट्रेन निकल चुकी है अभी करनाल रेलवे स्टेशन से, और अपनी ट्रेन अभी भी ना लगभग 16-17 मिनट के डिले के साथ जो है चल रही है। अभी दोस्तों दीवार पर देखो वंदे भारत की पेंटिंग बनाई गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी नजर आ रही है। दोस्तों 18 मिनट के डिले के साथ जो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ट्रेन के 5वें हॉल्ट कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन कोड KKDE। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों अगर आप कभी भी कुरुक्षेत्र आते हो ना तो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, श्री कृष्णा म्यूजियम यहाँ के मेजर अट्रैक्शन पॉइंटों में से एक है, तो यहाँ पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद जो है ना अपनी ट्रेन निकल चुकी है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से, और टाइम देख रहे हो 5:05, यानी कि अपनी ट्रेन अभी भी जो है ना 21 मिनट की डिले के साथ चल रही है। देखते हैं ये टाइम कवर करती है आगे पहुंचते पहुंचते या 20-25 मिनट के डिले के ही साथ पहुंचेगी।
अंबाला छावनी जंक्शन। पाँच बजकर 48 मिनट हो रहे हैं अभी। 5:48 पर जो है अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स लगभग 199 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है ट्रेन के 6th हॉल्ट यानी कि अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड UMB 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और ये जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि न्यू दिल्ली के पास से अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा जो शताब्दी रुकती है वो है अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। आप सभी को बता दूं कि अपनी जो ट्रेन है वो लगभग 22 मिनट की डिले के साथ चल रही थी कुरुक्षेत्र जंक्शन तक और अंबाला कैंट जो है वो 2 मिनट बिफोर ही यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो भाई काफी अच्छी स्पीड से चली है कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच में लगभग 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये ट्रेन चली है। तो दोस्तों शार्प 5:57 पर जो है ना अपनी ट्रेन हो चुकी है डिपार्ट अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से। अब जो है दोस्तों अगला हॉल्ट आएगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चलिए अब जो आपसे मुलाकात करेंगे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल राइट टाइम पर निकली अंबाला कैंट से अपनी ये जन शताब्दी एक्सप्रेस। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुरुक्षेत्र तक ये 20-22 मिनट लेट चल रही थी बट अंबाला आते आते जो है ये बिफोर टाइम आई अंबाला में 2 मिनट। और 2 मिनट क्या ये वैसे तो 20 मिनट बिफोर आ गई थी बट इसे जो है आउटर पे रोका गया था। सामने आप जो ट्रेन देख रहे हैं ना वो है अंबाला कालका पैसेंजर और ये अभी 6:30 जो है वो जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1A से अंबाला कैंट के। भाई गाजियाबाद शेड के न्यू लोकोमोटिव देखो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। जो अपनी ट्रेन पहुंच रही है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन जो है वो आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दोस्तों लगभग 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और स्टेशन कोड यहाँ का CDG 6 प्लेटफॉर्म का यह रेलवे स्टेशन है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का समय जो था वो था 6:38 और अपनी ट्रेन यहाँ पहुँचे 6:36 यानी कि 2 मिनट बिफोर। बहुत से लोगों ने जो है चंडीगढ़ जंक्शन पर इस ट्रेन को डीबोर्ड किया और हम भी जो है चंडीगढ़ पर ही इस ट्रेन को डीबोर्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे जो है अंधेरा काफ़ी हो गया है तो दिखाने को कुछ है नहीं और आगे का रूट जो है मैंने पहले भी 2-3 बार अपनी वीडियो में कवर किया है तो इसलिए अपनी आज की जर्नी को जो है मैं चंडीगढ़ जंक्शन पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो आज का दोस्तों ये ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ।